जब से हमारा संगीत की यात्रा प्रारंभ हुआ, आप हैरान हो जाएंगे, परमात्मा ने हमको कुछ खंड के नाम हृदय में अंकित किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम महादेव के अनुयायी हैं, उनके हम परम भक्त हैं। तो संबलपुर का नाम बारंबार आता था, माँ समलेश्वरी की धरती। ऐ मेरे प्यारे संबलपुर के वासियों, आज इस बार का स्वप्न कैलासा का साकार हुआ और इसका श्रेय जाता है हमारे प्रशासन को, हमारे ओडिशा के बहुत ही प्यारे ऑफिसर्स को, जिन्होंने संबलपुर में लोक महोत्सव दो दिन पहले समाप्त हो गया था, परंतु धन्य है इस धरती को, धन्य है इस परम शिल्पकारों की धरती को, इस पावन भूमि को, कि कैलासा की अब उपस्थिति हुई और जनाधिक्य लगभग 20-25 हजार से ज्यादा है। परमात्मा का एक ऐसा रूप जैसे मेरे महादेव ने जटाएं झटकी हों, ऐसे और सब मनुष्य बन गए हों, सब बूंदे उनके जटाओं की सब मनुष्य बनकर ऐसे बैठे हैं, एकदम जैसे देवताओं के मध्य गंधर्व गा रहे हों, ऐसा दिव्य यहाँ पर अलौकिक एक समा बना था। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ जी। मैं यहाँ मीडिया के इसलिए एक तारीफ करना चाहता हूँ, जब से हम आए हैं भुवनेश्वर से, झारसुगला से, यहाँ तक संबलपुर तक, सब लोग इतने मध्यम मध्यम मुस्कुरा रहे हैं। वरना ज्यादातर मीडिया कर्मी जो है वो बेचैन होते हैं। क्यों? उनको असाइनमेंट लेना होता है, अरे जल्दी से कहीं हमें ना खबर मिले, कहीं हमें ना मिले, तो ऐसे में वो बेचैन होते हैं, गिर भी पड़ते हैं कई तो बेचारे, कई आपस में लड़ पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा, तीनों जगह पर इतने मध्यम मुस्काते हुए, प्यार से, धैर्यशील, शीलवान मीडिया जो होती है वो लगता है जैसे परमात्मा ने स्पेशल उनको एक आशीर्वाद दिया है। आप लोगों के ऊपर यही मनोभाव बने रहें, यही परमात्मा की दिव्यता बनी रहे और आप इसी तरह से ईश्वर के प्रार्थनाओं में, ईश्वर के अनुराग में रहें, मेरी आपको भी नमन है। और ये धरती मंदिर बनाने वालों की है, शिल्पकारों की धरती है, ये कलाकारों की धरती है। यहाँ पर सबसे बड़ा धन है धैर्य। मैंने ये जो धैर्य का धन देखा है ये बहुत यूनिक है। दूसरी बात, मन की बात है ये भी बताते चलें, ये वस्त्र नगरी है, तुझे पहनूं ओढ़ूं बिछाऊं मैं। और संत जो होते हैं अधिकांश वो वस्त्र भी त्याग के चलते हैं, परंतु चादरें उनकी भी होती हैं, दुशाले उनके भी होते हैं, संतों के भी। तो यहाँ से कुछ हमें शॉल मिले हैं, ये यहीं के संबलपुरी, जिसको हम कहते हैं स्टॉल अंग्रेजी में कहते हैं और अंग वस्त्र हम ऐसे कहते हैं। मन तो था साड़ी भी लेने को हमारी बहन के लिए, कबीर की माँ के लिए भी, लेकिन इस बार समय नहीं मिला, क्या पता। ओहो मेरे दाता जी, कितने प्यारे आप लोग हैं, दुकान खुला है साहेब, बने रहो, हरिओम।